हे स्टूडेंट, वेलकम अंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1G का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और अगर आपने 1F के वीडियोस देखे हैं और 1F अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है, तो 1G उसके सामने कुछ नहीं, ठीक है। जैसे आपने 1F में सॉल्व किया ना, रैशनलाइज करना सीखा, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने मैथ सॉल्व करना सीखा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा है ना, बस उसी की तरह से कह लो ये रिविजन है, ठीक है। कुछ नया नहीं है यहाँ पर, थोड़े से क्वेश्चन बस आगे में आपको मिलेंगे एड किए हुए। तो प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक, यानी कि 1F के लिंक्स, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 का, या आगे जितने भी 18th क्वेश्चन है उन सभी का, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके आप ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 1 में क्लिक करना, तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस टाइप से जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको मैं एक फॉर्मूला रिवाइज कराना चाहूँगा। अपने क्लास 8 में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a के पावर में अगर m है और मल्टीप्लाई हो रहा है a के पावर में n से, यानी कि बेस सेम है, जो एक्सपोनेंट है, जो पावर्स हैं वो क्या है, अलग अलग हैं, तब हमारा वहाँ पर सिंपली आपको a लिख करके जो पावर्स उनको ऐड करना होता था, यानी कि m प्लस n करना होता था। सेम वही काम यहाँ पर भी होगा। देखो, बेस दोनों का सेम है, दोनों में 2 और 2 है, बस जो पावर्स हैं वही क्या है, अलग हैं, और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो बस हम क्या करेंगे, पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर में 2/3 और प्लस में 1/3, ठीक है। तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो 2 के पावर में डिनोमिनेटर एक बार 3 लिख दो और जो न्यूमिनेटर उसको ऐड कर दो, तो 2+1 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा 2 के पावर में 3/3, और 3/3 आ गया, जिसको हम लोग कट करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। 3 + 3 = 3 होता है ना, तो 2 के पावर में 1 आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज उसको पूरा पूरा 2 भी लिख दो, क्योंकि 2 के पावर में 1 = 2 ही होता है। तो आप इसको डायरेक्ट 2 लिख दो, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये देखो, हमारा जो है ना सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सेम ही मिलेगा इस टाइप से, लेकिन बस डिनोमिनेटर जो है पावर्स का ना वो अलग अलग है। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होगा, देखो आप यहाँ पर 2 के पावर में 2/3 हो जाएगा और फॉर्मूला वही आपका सेम लग जाएगा, तो ये हमारा 1/5 हो जाएगा। बस यहाँ पर चूंकि डिनोमिनेटर अलग है, तो हम जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता है और डिनोमिनेटर अलग हो, तब हम लोग एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप 2 लिख लो पहले, तो और 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 15। आप चाहो तो रफ में निकाल कर भी देख सकते हो, लेकिन ये आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम का जो मल्टीप्लाई होता है ना, वही उनका एलसीएम भी होता है। तो 5 × 3 = 15 इसका मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, तो यही इसका एलसीएम भी होगा। तो डिनोमिनेटर में आप लिखोगे 15। अब क्या करते हैं कि जो एलसीएम निकल जाता है उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है और न्यूमिनेटर में उस कोशेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखो, 15 को 3 से डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिख दो, फिर प्लस की साइन लगाओ ये वाला। उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, उसी 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बन गया, 2 के पावर में 10 और 3 = 13 / 15, ये इसका आंसर हो गया। ये थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखो, ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी लगभग सेम ही नंबर से, लगभग क्या मतलब, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो सेम, बस 7 और 7 है, पहले 2 2 रहता था। तो हम क्या करेंगे, एक बार 7 को उतार देंगे और ये जो 5/6 है इसको ऐड कर देंगे हम 2/3 के साथ। तो 6 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 निकल जाएगा। तो 7 के पावर में आप लिखो यहाँ पर 6 को 6 से डिवाइड देंगे तो आएगा 1 के ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। प्लस की साइन है, प्लस की साइन उतार लो। फिर 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो आएगा 2 के ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ 7 के पावर में 5 और 4 हो गया 9/6, और ये दोनों देखो हमारे 3 से कट हो रहा है, तो कट हो तो कट भी कर दो। तो ये हमारा 7 का 7 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 डिनोमिनेटर में और 3 × 3 = 9 न्यूमिनेटर में। दोनों को मैं क्या किया, 3 से डिवाइड दे दिया। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। आइए फोर्थ वाला सॉल्व करें। तो देखो, ये हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्या कर दिया गया कि जो नंबर है ना उसको बड़ा बना करके दे दिया है। पहले तो 7 और 2 रहता था, तो उसको तो हम लोग उसका लोएस्ट टर्म में ही था पहले से, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं उसे फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर होंगे, तो मैं इसका फैक्टर भी निकालेंगे। पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से, यानी कि 1 × 2 = 9/6 लिख करके पावर्स को ऐड कर दो, यानी कि 1/4 प्लस में 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 × 2 = 9/6 पावर में हमारे पास हो जाएगा 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, तो डिनोमिनेटर में 4 लिखो, 4 से 4 डिवाइड हुआ तो आ गया 1 हो जाएगा ऊपर, प्लस की साइन लगा लो। फिर 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। तो इसका जो लगभग यहाँ पर आंसर जो आ रहा है 1 × 2 = 9/6, और यहाँ पावर में हमारे पास 3/4 आ गया, 2 और 1 = 3 हो गया। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, अब इसका भी फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर फाइंड करने का काम अगर आपके टीचर बोल देंगे नहीं सामने ही करो, तो आप सामने करके दिखा देना, अदरवाइज आप रफ कॉपी में भी पीछे साइड में सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहीं पर इसके फैक्टर फाइंड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1296 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से ही स्टार्ट कर लो आप, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 1 इधर गया तो 2 × 8 = 16 हो गया, फिर 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8 हो गया,
फिर 2 1 जा 2, 1 इधर गया तो 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 से हो रहा है 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब तो 2 से हो नहीं रहा है, अब 8 और 1 9 यानी 3 से होगा, तो 3 2 जा 6 हो गया, बचा यहाँ पर से 2, वो आगे जाकर इसको 21 बना देगा, तो 3 7 जा 21, फिर 3 से हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 9 जा 27, और फिर 3 से हो रहा है 3 3 जा 9, और फिर 3 से हो रहा है तो 3 1 जा 3। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि इसके जो फैक्टर्स हैं उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर में कितना है हमारे पास, यहाँ पर 1 2 3 है, तो 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर में हमारे पास 4 है, और पूरे के पावर में हमारे पास कितना है तो 3/4 है। इस तरीके से पहले आप इसको लिख लो, अच्छा 2 के पावर में हमारे पास 4 है, 1 2 3 4 है ना, तो 2 के पावर में भी 4 लिख लो और 3 के पावर में 4 लिख लो, और 2 हमारा टोटल जो है ये पावर में 3/4 ही है, तो अंदर में हमारे पास ये कितना निकल जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा। और जैसे इधर हुआ है ना, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, यहाँ पर आप देखो ये पावर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेम है, तो जब कभी भी पावर सेम सेम आ जाए तो पावर को कॉमन ले लिया जाता है और जो हमारे बेस होते हैं ना इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 और 6 के पावर में 4 हो जाएगा इसका आंसर, अंदर वाले को सॉल्व करोगे तब, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जब हमारा पावर सेम रहता है, जैसे देखो यहाँ पर नंबर सेम रहता था तो हम पावर्स को ऐड करते थे, वैसे अगर पावर सेम रहेगा तो नंबर्स आपस में जो भी है मल्टीप्लाई डिवाइड वो कर देंगे। आगे इसी टाइप से क्वेश्चन और दिया गया है, उसमें आप डिटेल से समझोगे। तो ये हमारा 2 3 जा 6 हो गया पावर में 4, और पूरे के पावर में हमारे पास 3/4 है, तो अगर जब हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे ना, देखो इस तरीके से लिखा जाता है 6 के पावर में 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3/4, इस तरीके से। ऐसे क्यों लिखा जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक फॉर्मूला होता है कि a के पावर में अगर m है और टोटल हमारे उसके पावर में एक n है, तो जब इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a के पावर में m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये भी m है और ये हमारा n है, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये देखो हमारा 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, तो बचा क्या, केवल 6 के पावर में 3 बचा। अब इसको आप सॉल्व करके भी निकाल दो इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये हमारा 6 के पावर में 3 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 पहले हो जाएगा 36, और उसके बाद एक बार और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 जा 36 का 6 कैरी हो गया हमारे पास 3, 6 2 6 3 जा 18 और 3 हो जाएगा हमारे पास 21, यानी कि 216 होगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सभी क्वेश्चन जो थे फोर्थ नंबर तक वो सभी सिंपल थे, ये वाला बस थोड़ा सा नंबर बढ़ा करके दे दिया गया था, और ऐसे क्वेश्चन अभी आपको आगे चल करके और सॉल्व करने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वगैरह में, तो वहाँ पर मैं आपको इसको और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।